भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ समेत कई नेता भाजपा का दामन थाम लिए हैं। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने गए निरहुआ को यह अंदेशा भी नहीं था कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन्हें इस कदर अपमान होना पड़ेगा। निरहुआ और उनके साथ गए आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता भाजपा मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण करने गए थे, पर दोनों लोगों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली। संजय गुप्ता ने नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अभी यह हाल है तो आगे क्या होगा, मैं भाजपा की सदस्यता नहीं लूंगा। उनके इतना कहते ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इन्हें भाजपा की सदस्यता नहीं मिलेगी। संजय गुप्ता अपने समर्थकों के साथ नाराजगी जताते नारेबाजी करते बाहर चले गए, पर निरहुआ अपमान को पीते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री और सदस्यता प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल ने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का परिचय दिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पांडे ने भी सभी सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर कई खास लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले निरहुआ को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि उनको आजमगढ़ में चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसे उम्मीदवार बनाना है, लेकिन उचित समय के साथ निरहुआ को भाजपा में स्थान मिलेगा। देखना होगा जिसे बैठने के लिए कुर्सी तक बीजेपी ने नहीं दी वह निरहुआ को कितना सम्मान देगी। आपको बताते चलें कि निरहुआ ने बताया है कि हम भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए ही आए हैं, हमें चाहे जिस क्षेत्र से लड़ा दें। निरहुआ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। सियासी गलियारों में चर्चा है निरहुआ आजमगढ़ और रवि किशन को जौनपुर से भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। हाल ही में भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने मोदी सरकार की फिर से वापसी का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।